नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022-23 क्लास एट्थ इंग्लिश का पेपर देखेंगे, जो कि 80 मार्क्स का और 2.5 घंटे का होता है। पेपर में सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस, यानी क्वेश्चन पेपर के 3 सेक्शन हैं। सेक्शन ए रीडिंग से रिलेटेड है, जिसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड है, जिसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सेक्शन सी लिटरेचर से रिलेटेड है, जिसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन ए जो कि रीडिंग से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन वन में एक पैसेज दिया गया है, जिस पर आधारित 11 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 मार्क्स के पैसेज आप पढ़ सकते हैं और अपने आने वाले एग्ज़ाम की अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। ये पैसेज का ही पार्ट है। पैसेज पर आधारित क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आने वाले एग्ज़ाम की अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। एक और पैसेज दिया गया है, जिस पर आधारित 11 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हैं। 10 मार्क्स के आप पैसेज पढ़ सकते हैं और पैसेज पर आधारित जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर खोज सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आने वाले एग्ज़ाम की अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। ये सेकंड पैसेज पर आधारित प्रश्न हैं, जो आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यह आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम का इंग्लिश का पेपर है, जो कि 80 मार्क्स का है। अब आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी जो कि राइटिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड है, जिसमें जो तीसरा प्रश्न है वह 5 मार्क्स का है, जिसमें राइट अ स्टोरी, एक स्टोरी लिखनी है यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो, गिव अ सुइटेबल टाइटल टू द स्टोरी। एक टाइटल देना स्टोरी का और ये जो हिंट्स दिए गए हैं नीचे, इस पर आधारित इसकी हेल्प लेते हुए स्टोरी राइटिंग करनी है, जो कि 5 मार्क्स का है। राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन में अगला जो क्वेश्चन है वो भी 5 मार्क्स का है और इसमें राइट अ आर्टिकल ऑफ एनी वन, द एम ऑफ लाइफ, चाइल्ड लेबर, इनमें से किसी एक पर एक आर्टिकल लिखना है, जो कि 5 मार्क्स का है। अगला जो क्वेश्चन है 5A 4 मार्क्स का है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स बिलो यूजिंग हैड टू, हैव टू, हैज टू, इनमें से किसी प्रॉपर जो भी उचित है, सही विकल्प है, उसका चूज करना है, उसको चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह भरना है, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 5। अगला 6 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राइट द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एडिंग एंस और एंस टू ईच, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 भी 3 मार्क्स का है, आप पढ़ सकते हैं। पेपर का जो अगला जो सेक्शन है, सेक्शन सी जो कि लिटरेचर से रिलेटेड है, इसके क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक स्टेंजा दिया हुआ है, क्वेश्चन 8, जिस पर आधारित 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। 9 में रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस पर आधारित, इसे पढ़ सकते हैं और इस पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अपने आने वाले एग्जाम की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन, कि नहीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं और अपने
एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 इसमें भी 4 क्वेश्चन करने हैं जो कि 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी एक का आंसर देना है जो कि 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है यह। द गुड ऑलवेज विन ओवर एविल, डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स बाई यूजिंग हिंट्स फ्रॉम द लेसन। द सेल्फिश गिएंट, ये आप पढ़ सकते हैं, इसके अथवा में भी है, दोनों में से कोई भी एक करना है। तो यह था आपका इंग्लिश का हाफयरली एग्जाम का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएँ, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।